हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक सिलेक्शन किए हैं। तो ये स्टॉक को आपको कौन सा लेवल पे एंट्री लेना है और कौन सा आपका टारगेट प्राइस रहना चाहिए, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में आप एक बार वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन भी बिल्ड करता है। एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छा सा ट्रेड लेके आपके सामने लेके आऊँ, जो कि आप एक अच्छा सा गेन ले सकते हैं स्टॉक मार्केट से। फ्रेंड, और एक दूसरी बात है, अगर आप कोई सा भी स्टॉक में एंटर लिए हैं, पहले से हमने जो वीडियो बनाया हुआ है स्मॉल कैप स्टॉक से, जैसे कि हाथों केबल्स हो, चाहे कावेरी शीट्स हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, तो उस स्टॉक में अगर आपने एंटर हुए हैं, अभी आपका पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, तो अभी तक आपका प्रॉफिट नहीं आया है, लेकिन आपको होल्ड करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी 1 मंथ पहले आपने बाई किए हैं, अभी 20% नेगेटिव में चल रहा है, तो फिर 10% नेगेटिव में चल रहा है। आपको अगर मन में आ रहा है कि स्टॉक में से निकल के फिर, और बजाज फाइनेंस हुआ, ये सब स्टॉक का मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो सब स्टॉक में एंट्री लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास में अगर सरप्लस मनी है तो आप वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अभी वो सब स्टॉक में बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। लेकिन ये स्टॉक को आपको नेगेटिव में, मतलब आपको लॉस में सेल करके दूसरा स्टॉक बाय नहीं करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है जहाँ पे प्रॉफिट में अगर आपको निकलना चाहते हैं तो वो स्टॉक से निकल सकते हैं, लेकिन आपको लॉस में बिल्कुल भी एक भी स्टॉक बिल्कुल सेल मत कीजिए। जो भी वीडियो हमने बनाया है उस हिसाब से अगर आपने खुद का एनालिसिस करके लिए हैं, क्योंकि मैं आपको पहले से इसीलिए बोल रहा था कि आप अपना एनालिसिस करके लीजिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट में अगर थोड़ा सा भी करेक्शन हो तो वो स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी अभी तक कोई भी स्टॉक सेल नहीं किया हूँ लॉस में, तो आप भी लॉस में सेल मत कीजिए, ठीक है। अभी चलिए इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे, गुडियर कंपनी के बारे में, ये बेसिकली टायर एंड ट्यूब इंडस्ट्रीज में कामकाज करते हैं। लेकिन ये स्टॉक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसे कंपनी जो है गुडियर कंपनी, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 95% रेवेन्यू जो आता है टायर से आता है, और 5% रेवेन्यू जो आता है यहाँ पे ट्यूब से आता है, और कंपनी का जो रेवेन्यू आता है 98% इंडिया से ही आता है। अगर हम देखेंगे, इनका दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक तो फरीदाबाद हरियाणा में है और एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का अगर पी देखेंगे तो 14.4 का स्टॉक का पी है। आरओसी अगर देखेंगे तो 21 का आरओसी है। डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर प्लेस जहाँ तक हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर प्लेस नील है, तो 0% प्रमोटर प्लेस है। अगर स्टॉक का ऑल टाइम हाई हम देखेंगे 1332 का है। अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 985 के पास में चल रहा है, करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल है। अभी अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम देखेंगे सेल्स एक हाईएस्ट सेल्स हुआ है कंपनी में, जो कि 698 करोड़ का अभी लास्ट 12 क्वार्टर में हाईएस्ट यहाँ पे सेल्स पेश किया है जो कंपनी ने, 698 करोड़ का सेल्स हुआ है। अगर लास्ट सेप्टेम्बर का भी हम बात करेंगे, यहाँ पे 481 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, तो सेल्स में एक 40% का बढ़िया सा अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, जो कि 20% प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है, लेकिन कंपनी ने तो बहुत बढ़िया सा सेल्स भी किया है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। अगर हम देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर का अगर हम प्रॉफिट देखते हैं, 158 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट। अगर हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स भी हाइस्ट सेल्स हुआ है, जो कि लास्ट 4 क्वार्टर में 2316 करोड़ का सेल्स हुआ है। बहुत बढ़िया सा नंबर पेश किया है कंपनी ने। अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं, यहाँ पे रिजर्व 655 करोड़ का रिजर्व है। अगर प्रमोटर का होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग एक बेहतरीन होल्डिंग है, जो कि 74% का होल्डिंग है। आज पर सेबी गाइडलाइंस, कोई भी कंपनी हो, प्रमोटर के हाथ में मैक्सिमम 75% का स्टेक होना चाहिए। तो इसी हिसाब से कंपनी के पास में मैक्सिमम होल्डिंग है, जो कि 74% का होल्डिंग है। डीआई के पास अगर देखेंगे, यहाँ पे 7.44% का डीआई के पास में है, पब्लिक के पास में 17% का होल्डिंग है। एक बेहतरीन है, एक प्रमोटर होल्डिंग है स्टॉक में। अगर हम यहाँ से जाके लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर डिलीवरी एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था 990 का। अगर हम डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे, ये स्टॉक में 60% का डिलीवरी उठाया गया है फ्रेंड्स, जो कि स्मॉल कैप स्टॉक है। 17,000 क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है, यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है। अगर इस कंपनी में हम चार्ट पैटर्न जाके एक बार स्टडी करें तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बढ़िया सा वॉल्यूम कुछ दिन पहले वॉल्यूम जरूर आया था, लेकिन उसके बाद में ये वॉल्यूम लेकिन सस्टेन, चार्ट सस्टेन नहीं हो पाया। उसके बाद में
यहाँ पे करेक्शन आया है, लेकिन करेक्शन का हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक में यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, जो कि रेड कलर का लाइन ये 100 डे का मूविंग एवरेज को शो करता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ब्लैक कलर का जो लाइन है, यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज है। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे जाके एक बार RSI भी चेक करेंगे तो इसका जो RSI का लेवल है बिलो 40 भी आ चुका है। RSI का लेवल एक 35 का लेवल पे RSI आ चुका है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना परसेंटेज का करेक्शन आया है, नियरेस्ट हाई से अगर हम देखते हैं 1329 से लेके अभी तक कितना परसेंटेज का करेक्शन पे स्टॉक हमें अवेलेबल है, वो एक बार से जरूर चेक करेंगे। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक 26% करेक्शन पे स्टॉक अभी मिल रहा है, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे काफ़ी दिन से स्टॉक वही एक रेंज पे चल रहा है, ठीक है। ऐसा ही स्टॉक को अगर हम स्विंग ट्रेड में लेंगे तो हमें एक अच्छा सा एक प्रॉफिट नज़र आ सकता है, क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स तो बढ़िया सा ग्रोइंग हो रहा है, ठीक है। और प्रमोटर का होल्डिंग भी एक बेहतरीन प्रमोटर का होल्डिंग है, और टायर बिजनेस में अच्छा सा कंपनी भी है। तो अगर इसी हिसाब से हम अगर देखेंगे यहाँ पे एक बिल्कुल सपोर्ट के प्राइस पे चल रहा है स्टॉक, ठीक है। तो अगर इसी हिसाब से अभी से भी हम बाई करके चलेंगे, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से अगर इस स्टॉक को हम बाई करके चलेंगे और ऑल टाइम यहाँ तक अगर हम लेके चलते हैं, यहाँ तक अगर लेके चलते हैं 1329 तक, एक बढ़िया सा गेन हमें बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से बाई करके चलेंगे 980 से लेके अगर हम 1329 तक इस स्टॉक को होल्ड करते हैं, हमें एक 35% का गेन फ्रेंड्स मिल सकता है, ठीक है। ऐसा जो गेन है ये बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये गेन आपको 3 मंथ से 6 मंथ्स में बिल्कुल अचीव हो सकता है। लेकिन पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफिकेशन रखिए, क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप स्टॉक में आपका छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो का 10% 20% ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, तो ऐसा आप मत कीजिए। तो आपको ये स्टॉक में मिनिमम आपको 3 से 5% का इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, आपको एक स्विंग ट्रेड में अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। 35% का गेन आपको 6 मंथ्स में जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये डिसीजन आपका रहना चाहिए। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से पहले वो डिसीजन आपका होना चाहिए और उसका एनालिसिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, अगर लॉस होगा भी आपको होगा, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी ये, अगर प्रॉफिट होता है तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं, अगर लॉस भी होता है उसके जिम्मेदार भी आप हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो तो फिर आप लॉस करके स्टॉक मार्केट से निकल जाए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसीलिए आप पोर्टफोलियो को जरूर डाइवर्सिफिकेशन रखिए और पेशेंस रखिए। अगर स्टॉक मार्केट में आप पेशेंस रखेंगे, आपको गेन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कि अच्छा सा गेन ले सकते हैं, साल में 30-40% से जो गेन होता है ना, वो बहुत आसान से मिल सकता है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ में होल्ड करना है और स्टॉक का जो प्राइस बता रहे हैं वही प्राइस में एंट्री लेना है। क्योंकि फोमो में अगर कोई स्टॉक में अगर एंट्री ले लेंगे तो फिर आप फंस सकते हैं, जैसे कि एजिस लॉजिस्टिक के बारे में हमने काफ़ी दिन पहले से आपको बताया हुआ था, लेकिन फिर भी अगर आपने एंट्री नहीं किए, अभी अभी उस दिन 17% का गेन मिला, लेकिन उसी दिन अगर आप एंट्री कर लेते तो फिर आपको ऐसा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो टाइम पे बता रहे हैं कंसोलिडेशन के टाइम पे, उसी टाइम पे एंट्री लीजिए और स्टॉक को होल्ड भी करना चाहिए। अगर होल्ड करेंगे तो स्टॉक मार्केट से एक अच्छा सा गेन आपको मिल सकता है। और पेशेंस सबसे बड़ा जरूरी है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। ये सब चीज़ को अगर आप स्ट्रांगली फॉलो करेंगे स्टॉक मार्केट से बढ़िया सा गेन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम भी आप अचीव कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, ऐसा कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। स्विंग ट्रेड में ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है, अगर पोर्टफोलियो में काफ़ी सारा स्टॉक आप लेके चलते हैं तो आपको हर एक मंथ में 2-4 स्टॉक में प्रॉफिट भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है 1 वीक में नहीं मिलेगा, ये नहीं, लास्ट वीक में मेरा किसी में प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ, ऐसा जरूरी नहीं कि लास्ट वीक में नहीं मतलब और उससे लास्ट वीक में मेरा प्रॉफिट हुआ था ना, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हर एक मंथ में किसी एक वीक में आपको 3-4 स्टॉक में प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है कोई एक वीक में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पेशेंस के साथ में बिल्कुल होल्ड करना है तो बढ़िया सा गेन मिल सकता है। फ्रेंड्स इस लेवल पे आप एंट्री लेके चल सकते हैं, जो कि 980 के लेवल से, और आपको जो टारगेट लेना है 1330 तक का टारगेट, इसको लेके चल सकते हैं, 35% का गेन मिल सकता है। इसके लिए आपको 6 मंथ्स होल्ड करना पड़ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक बढ़िया सा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्विंग ट्रेड के लिए हम कंसिडर करके चल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।